हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वापस आ चुके हैं एक बहुत दमदार सेशन के साथ, बहुत शानदार सेशन के साथ। और आरके सर ने सेशन को बहुत तगड़े तरीके से प्लान किया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रयान एक हॉट टॉपिक है। सर, सब लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं आजकल। आजकल हर जगह न्यूज चल रहा है चंद्रयान 3 का। लेकिन आज हम लोग उस न्यूज से ना ज्यादा बेटर तरीके से रखेंगे डेटा के साथ, कि जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ चंद्रयान 3। तो पास्ट का मतलब कि अभी तक चंद्रयान किस दिन लॉन्च हुआ था, 14 सितंबर को लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई लॉन्च हुआ है, 23 अगस्त लैंड करेगा, 23 अगस्त लॉन्च करेगा। तो अभी आज का जो डेट है, अब तक पास्ट में चला गया। तो इसको भी हम बताएंगे कि रॉकेट से कैसे वो पहुंचा है, व्हीकल से हमारे पार्किंग ऑर्बिट पहुंचा है, कितना टाइम लिया है वहां पे जाने के लिए, कैसे कैसे वेलोसिटी के चेंजेस आए हैं। और उसके बाद एक बार पार्किंग ऑर्बिट में आने के बाद अब प्रेजेंट हम चलेंगे। तो प्रेजेंट पार्किंग ऑर्बिट से कैसे वो सन मून के इन्फ्लुएंस के अंदर वो कई बार 5 बार ऑर्बिट कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरी तरीके से, कि कितना कितना टाइम लेके वो घूम रहा है। और उस अभी तो फिलहाल उसी में है, फिर कितने दिन तक वहां पे रहेगा, उसके बाद जब वहां से बाहर निकलेगा तो किस तरीके से एक हाईवे होता है। जैसे हम लोग सिटी टू सिटी जाते हैं तो हाईवे पकड़ लेते हैं, वैसे इसमें भी लुनार हाईवे है, बहुत शानदार हाईवे। जैसे आप बड़े सिटी से जाते हैं तो पहले छोटे सिटी के चक्कर लगाते हैं, फिर उससे बाहर निकलते हैं तो हाईवे पकड़ के जाते हैं। तो वही हाईवे समझाएंगे यहाँ पर आज, और पूरा डिटेलिंग एक तरीके से हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको कई बार लगेगा, आश्चर्य पड़ जाएंगे कि यार ये क्यों 2-3 दिन लग रहा है लूनार हाईवे तक आने में, क्यों इतना समय लग रहा है। हाँ, बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में अराइज होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक सीरीज है, आपके पास पूरा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी, पूरे हर एक चीज हम डिटेल में करने वाले हैं और बहुत अच्छी कैलकुलेशन के साथ। क्योंकि अब ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये इसमें थोड़ा थोड़ा आपके साथ ज्ञान भी दिया जाएगा जो आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे, पहले आज के दिन हम लोग उन न्यूज एजेंसी जो आप तक चंद्रयान की बात कर रहे हैं लेकिन बिना फिजिक्स के, हम उसमें थोड़ा सा आपको बेहतर ज्ञान, ताकि आप हर एक जगह पर चंद्रयान को एक बेहतर तरीके समझ पाए, एक्सप्लोर कर सकें और बहके नहीं जैसे न्यूज वाले बहकाते हैं आपको। आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, हाँ यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीजें अराइज होंगी। तो आज हम लोग पूरी अर्थ के सर्फेस से स्टार्ट होना, लॉन्च होना और मून के सर्फेस पे लैंड होना, ये सब प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस को देखेंगे और उसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है वो भी आपको बता देंगे। उसके बाद जब स्टार्ट होगा तो वो फिजिक्स स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली। तो आज का है इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जिसके अंदर हम आपको डिटेलिंग करने वाले हैं क्या क्या है, और उसके बाद हम इस सीरीज पर भी क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके के जो पॉसिबल आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट ओलंपियाड्स, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे है टॉपिक्स, टॉपिक टू बी कवर्ड्स में। तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं स्पेशली इस पॉइंट को कवर करेंगे, ब्रीफ ऑन मेजर पार्ट एंड पाथवे। पाथवे पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं, कैसे टाइम चल रहा है, ये यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन शुरू होगा, जो कल से स्टार्ट होगा, उसमें क्वेश्चंस एंड डिटेल कैलकुलेशंस स्टार्ट होंगे, वो कंप्लीट फिजिक्स का पार्ट होगा जो जेई एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओलंपियाड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओलंपियाड के लिए ज्यादा जरूरी है। और मोस्ट ऑफ डिटेलिंग क्वेश्चंस उतने ज्यादा उसमें आपसे पूछे जाते हैं कि बहुत सारे पार्ट होते हैं, और एक क्योंकि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस होंगे और आईआईटी वाले अजम्पशन में थोड़ा सा काम कम करते हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल भी बढ़ेंगे, आइडियल अजम्पशंस लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, वो क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया गया होगा। बट मुझे तो सर पूरा भरोसा, सर ऐसा क्वेश्चन आ भी तो चुका है, आ चुका है, और मुझे इस बार तो ऐसा भरोसा सर कि इस बार भी ना, हो सकता है एस्ट्रोनॉमी के पेपर में और आईएनपीएचओ के पेपर में इनके क्वेश्चन आए 100% लगता है। देखो चंद्रयान पहले भी गया था, आईएनपीएचओ 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ, लगभग सेम पेलोड के साथ चीजों के साथ क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा। और अभी भी चंद्रयान 3 के साथ ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहली बार में उन्होंने रॉकेट के निकलने का, उसकी वेलोसिटी देने की मोशन की बात की थी, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरीके से अब मैं पूरा क्लियर यहां पे सर थोड़ा सा इसको दिखाया जाए। इसमें आज के दिन हम इसको डिस्कस करेंगे, ये वैसे ही जैसे न्यूज एजेंसी बताती है आपको और आपको ऐसा ही लगेगा, तो आप चाहे फिजिक्स आती हो या ना आती हो इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो शुरू होगी उसमें देखिए, पहला है पावरफुल लॉन्च व्हीकल, जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है, 3-स्टेज रॉकेट लॉन्चर, उसका डिटेलिंग होगी और किसमें कितना फ्यूल यूज हो रहा है, कौन स्टेज कितना स्पीड दे रहा है, वो पूरा प्रॉपर हम लोग मास वेरिएबल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे मोशन इन अर्थ बाउंड ऑर्बिट। तो अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है, 5 बार घूमा है, उसके विषय में एक एक कैलकुलेशंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ, ठीक है, कि कितना टाइम किस ऑर्बिट में स्पेंड हो रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन एक लेक्चर का होगा। इसके बाद हम लूनार हाईवे पे आएंगे, एक बार अंदर घूम के हाईवे पे आ जाएंगे,
फिर हाईवे पे कितना टाइम लग रहा है, उस हाईवे पे जाने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे एक लेक्चर के अंदर। फिर अगला लेक्चर शुरू होगा मोशन इन मून बाउंड ऑर्बिट। तो जैसे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था वैसे ही मून के चारों तरफ भी घूमेगा, हम उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे। उसके बाद लैंडिंग ऑन द मून सरफेस, तो एक बार वो 100x100 किलोमीटर के रेडियस में जाता है तो, और जो हमारा लैंडर है उससे जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा वो सेपरेट हो जाएगा, और हमारा जो लैंडर है वो अब लैंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मून की लैंडिंग सरफेस पे किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, हम लोग उसको भी प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि किस स्पीड से जा रहा है वो हमें ऑलरेडी पता है, डिटेल अभी मैं आपको इसे बता दूंगा कि 2 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा सरफेस से, मतलब 2 से ज्यादा की स्पीड नहीं होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड से कम की स्पीड अलाउबल है सरफेस पे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 30 किलोमीटर के हाइट से वो हमारा जो लैंडर है घूमते मोशन स्टार्ट करेगा अंदर की तरफ। तो एक्चुअली सर दो बातें और भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपने बेसिक बता दिया क्या क्या बताने वाले हैं, लेकिन कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर आज का वीडियो में तो मजा आने वाला है क्योंकि हम पूरी चंद्रयान का इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन सर इनके लिए जिसमें पढ़ाई की आवश्यकता है तो इसमें सर क्या पढ़ना है, क्या मेरे लिए प्रीरिक्विजिट है? तो मैं बहुत बेसिक से बता दूं, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में, राइट, जिसमें आपको पता है रॉकेट प्रोपल्शन कैसे होता है, वो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आने वाले हैं। और ग्रेविटेशन कैपलर्स लॉ ज्यादा बोल दिया जाता है बेटा, तो बेटर है आप कैपलर्स लॉ समझिए, क्योंकि हम ऑर्बिटल मोशंस की तरफ जा रहे हैं, प्लेनेटरी मोशन की तरह हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि इलेप्टिकल ऑर्बिट्स की बात होने वाली है, तो कैपलर्स लॉ की एक नॉलेज का होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरी सीरीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसकी कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से करने के लिए आपके पास दो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वेरिएबल मास सिस्टम और दूसरा कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ, राइट सर, एकदम सही कह रहा है, एकदम सर। तो अब चलते हैं आगे, अब आते हैं, अब एक लाइन है जो इसरो की तरफ से है, उन्होंने लिख रखी है पहली लाइन, तो मैंने सोचा कि इसको बता दें, और न्यूज एजेंसी भी इसी लाइन को बोल रही है आजकल कि चंद्रयान 3 इज एन इंडियन लूनर मिशन दैट बोल्डली गो वेयर नो कंट्री has ever gone before the moon south polar region। इस बार हम लोग मून के साउथ पोल रीजन पे जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण सर क्या है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वहां पे बहुत सारी शैडोज हैं, कुछ एक्टिविटीज देखी गई। हाँ, सही कह रहा है, और शैडोज का मतलब होता है कि वहां पर बर्फ के डिपोजिशन हो सकता है, माउंटेन्स हो, मतलब जैसे अर्थ पे हम लोग ऊपर देखेंगे तो शैडोज दिखाई पड़ रही, मतलब माउंटेन्स का ऊबड़ खाबड़ होगा, तो वहां पर ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिलता है, जैसे अपन बोलते हैं ना ज्यादा जड़ी बूटियां कहां मिल रही, हिमालय पे तो मिल रही है, तो जहां पर हम ज्यादा सॉइल के बारे में बातचीत कर पाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ द पानी के बारे में बात कर पाएंगे, आइस के बारे में बात कर पाएंगे, हीट के बारे में बात कर पाएंगे, तो वो सब चीजें हमें साउथ पे मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। अब इसके बाद आते हैं जो इसके फर्स्ट पॉइंट है, ये है, ठीक है, जो मैं हम लोग ब्रीफ डिस्कशन देने जा रहे हैं कि LBM3M4 पावरफुल लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, पहले मैं इसका तो कैलकुलेशन के टाइम हम यूज करेंगे, तो इसमें एक डेटा है जो आपको ध्यान रखना है कि इससे जो पहले सर इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि लॉन्च व्हीकल होता क्या है, यहाँ पे इसके लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, तो थोड़ा सा इनको आइडिया दे देते हैं कि लॉन्च व्हीकल, फिर उसके बारे में समझाते हैं उनका एग्जॉस्ट स्पीड क्या है। हाँ, तो ये लॉन्च व्हीकल है अपना, हाँ, जो जिसको अभी जो सर चंद्रयान 2 को जो लेके गया था वो GSLV था, हाँ, अब जो है ये LBM3 है, इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया गया, लगभग सेम मॉड्यूल के साथ थोड़ा और अपग्रेड किया गया, ये कैरियर है लॉन्चर, मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं जो लेके जाता है, लॉन्चिंग व्हीकल, यहाँ पर अपना मेल माल छुपा रहता है, हाँ, पेलोड इसको बोलते हैं, इसको पेलोड बोलते हैं, हाँ, इसको ले जाने की जिम्मेदारी इसकी होती है, इसकी तो मतलब ये ट्रक है जो माल लेके जाएगा, पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि इस पेलोड को ऊपर लेके जाना, ठीक है, और हमारे ऑर्बिट में स्टेब्लिश करना, पार्किंग ऑर्बिट में लेके जाना, ये पार्किंग मतलब इस पेलोड को पार्किंग ऑर्बिट, अर्थ के पार्किंग ऑर्बिट तक लेके जाता है, इतना बड़ा सिस्टम। तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं, एक ये स्टेज है जिसको उन्होंने बोल रखा है फर्स्ट स्टेज, 2S200 सॉलिड रॉकेट मोटर, तो ये सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर सॉलिड फ्यूल्स होता है बेसिकली, तो ये दो तो हो गए हमारे पास सॉलिड फ्यूल के साथ जुड़े हुए, फर्स्ट स्टेज बर्नर, तो बर्निंग स्टार्ट यहां से होती है कुछ इस तरीके से, पहला जब लॉन्चिंग होती है, जब हम लॉन्च करते हैं तो जो पहली बार बर्निंग स्टार्ट होती है वो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेज बर्नर है उससे हो रहा है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कंबस्टर्स होते हैं, यहाँ से गैस बहुत तेजी से निकलती है, जिसको अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि स्पीड जिसके एग्जॉस्ट स्पीड होती है वो लगभग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, तो यहाँ पर हम लोग 3.5 किलोमीटर
पर सेकंड सर, यही अपनी एग्जॉस्ट स्पीड रहती है जो इन दो नोजल से निकल के बाहर आती है। हाँ। जो फर्स्ट स्टेज पर ये काम हो रहा है, इससे सॉलिड फ्यूल यहाँ बर्न होंगे, हाँ। निकलेंगे और ये ऊपर की तरफ उठेगा। हाँ। ठीक, बहुत सही सर। तो इसमें लोग बता रहे थे कि सॉलिड फ्लूइड्स के अंदर इसकी बर्निंग पहले होती है और इसकी बर्निंग करीब 150 सेकंड के आसपास की होती है। हाँ। 150 सेकंड में इस सॉलिड फ्लूइड यहाँ का बर्न हो जाता है और वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इस रिमेनिंग पार्ट को देता है। और जैसे ये बर्नआउट हो गया, बर्न हो गया, तो ये दोनों पार्ट है वो पार्ट इस तरीके से अलग हो जाता है। और ये बहुत बड़ी अच्छी मैकेनिज्म होती है। कभी सोचने की बात होती है कि ये पार्ट अलग कैसे हो रहा है। ये जब अलग होते हैं तो इसका कोई प्रभाव इस रॉकेट पे नहीं पड़ता है, मतलब मिड सेक्शन पे नहीं पड़ता है। मोटर्स लगी होती है अंदर की तरफ जो यहाँ से रोल आउट करती है एक इधर से, तो ये जो अटैचमेंट्स हैं ब्रेक हो जाते हैं और वो अटैचमेंट हट जाते हैं यहाँ से, राइट। हाँ, तो सर नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, लेकिन पहले सर इसका इजेक्शन स्पीड जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। हाँ। और ये जो गेन करता है रॉकेट, ये भी 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, सर एवरेज मान के रखा, एवरेज दिया है, बट एक्चुअल में इसकी स्पीड का जो रेंज होता है वो 2 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 4 किलोमीटर पर सेकंड के बीच का रेंज होता है। इसी में से कोई भी एक रेंज ये देता है। ये सर बेस्ड होता है फ्यूल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर। तो एक्चुअली क्या होता है, एक और छोटी सी बात यहीं पे कर लेते हैं, यहां पर आते हैं। तो सर ये सेकंड स्टेज जो है इसका और इसका, सर इनको मिला के एक स्टेज नहीं बनाई गई, अलग अलग रखा गया। हाँ। इसका बेसिक रीजनिंग सर, ये इसमें सॉलिड भरते हैं, सॉलिड भरते हैं, और इस वाले में लिक्विड भरते हैं। सर बेसिक सॉलिड और लिक्विड का आई थिंक जो डिफरेंस आ जाता है कि सॉलिड वाले जो होते हैं उनके अंदर बेसिक तौर पे कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, वो कम एनर्जी प्रदान कर पाते हैं, और जो लिक्विड होते हैं वो कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी प्रदान कर पाते हैं, तो काफी तेजी से एक्सेलरेट कर लेते हैं कम टाइम में ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, तो बर्निंग का टाइम इसका 150 सेकंड के आसपास का होता है, इसका करीब 120 सेकंड के आसपास का होता है लिक्विड इंजन का। लिक्विड इंजन की एफिशिएंसी इस सॉलिड इंजन से ज्यादा होती है। ठीक है, और सेकंड जब बर्न हो जाता है तो हम आते हैं थर्ड जो स्टेज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले पूछा सर, इसमें भी लिक्विड यूज कर लेते हैं? तो इसमें बात पैसे की होगी तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा भी बचा के चलना है। हाँ। और इसरो वैसे भी इस बात के लिए सबसे ज्यादा फेमस है कि सबसे सस्ते तरीके से हम पहुंचा देते हैं मामला। हाँ। तो हमें अंत भला तो सब भला वाले गेम पे हम काम कर रहे होते हैं, तो हम ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करते हैं, राइट, ताकि हमारा सेविंग्स भी बेहतर होती रहे। सही बात। फिर सेकंड थर्ड स्टेज के बाद जब लिक्विड इंजन बर्न हो जाता है, लिक्विड मोटर बर्न हो जाता है, तो यहाँ से डी अटैच हो जाता है। ठीक है, जब ये हट जाता है तो सिर्फ इतना पार्ट बचता है। इसको बर्न होने में 120 सेकेंड का टाइम लगता है और लगता है, और ये जो स्पीड गेन करता है, ये लगभग जो स्पीड देता है वो मैं बताता हूँ, 2 किलोमीटर के एक्स्ट्रा, मतलब ये शायद 3.5, फिर उसका 2 और जोड़ देता है इसमें, 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अलग से देता है लिक्विड इंजन हमें। ठीक है, तो जब ये हट जाता है तब तक हमारे पास लगभग स्पीड इसको मिल चुका होता है करीब 6 किलोमीटर हुआ है। सारे डेटा में बहुत मेहनत हुई है। मैं तुमको बता दूं, जो भी डेटा है बहुत कैलकुलेटेड डेटा है, जिसके बारे में हम आपके साथ आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो 150 सेकंड होते हैं वो ये स्पीड देगा 3.5 किलोमीटर पर, फिर ये एडिशनल स्पीड देगा 2.8 किलोमीटर पर सेकंड की इसके आगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल लगभग 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इस पेलोड को और थर्ड स्टेज इंजन को मिल चुका होता है। फिर इसकी बर्निंग के बाद अब आती है हमारा क्रायोजेनिक इंजन, बर्निंग सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे सर, इसमें बेसिकली गैस होता है जो लिक्विड फॉर्म में रखा गया होता है, और वो सबसे ज्यादा हाई इफेक्टिव होता है। इसकी कैलोरी वैल्यू बहुत हाई रहती है, बहुत हैवी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एक बहुत अच्छा थ्रस्ट देता है, बहुत हैवी फोर्स प्रोवाइड करता है इसको एक्सीलरेट करने के। तो लास्ट मोमेंट पे एक्सीलरेशन काफी बेहतर मिलते हैं, और पार्ट भी छोटा होता है तो और तेजी से एक्सीलरेट कर जाता है। तो जब इसकी बर्निंग हो जाती है तो ये इंजन, ये वाला पार्ट अकेले अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू देती है 4.55 किलोमीटर पर सेकंड देती है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। तो फिर ये जब बर्निंग हो जाती है, जब ये पूरा पार्ट डिटैच हो जाता है, तो जो हमारा पेलोड है, इस पूरे पेलोड को लगभग 10.85 या 11 किलोमीटर, मतलब कायदे से देखिए तो ये एस्केप स्पीड के बराबर, ये आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में दे सकता है, करीब 11 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड आइडियल कंडीशन दे देता है। अपनी एस्केप स्पीड अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यहां पर लगभग 11 मिल जाती है, लेकिन
लेकिन उसमें जो इफेक्ट है ग्रेविटी की इफेक्ट है प्लस और भी बहुत सारी चीजें हैं ठीक है जो एयर ड्रैग का इफेक्ट अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फील होता है और उसके कारण इसका इफेक्टिव जो वेलोसिटी वो कम हो जाती है जो एक्चुअली 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर पर सेकंड के अराउंड होता है हां वो कम होके 8 किलोमीटर पर सेकंड तो वो क्या होता है 11 से कम होके जो पहुंचना चाहिए वो कम होके 8 किलोमीटर पर सेकंड पर पहुंचता है कहां पर एक पार्किंग ऑर्बिट पार्किंग ऑर्बिट पर अब हम इस पे आते हैं इसके पहले हम इसकी बात कर लें ये जो हमारा पेलोड है उसमें क्या क्या होता है अच्छा हाँ ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में इम्पोर्टेंट पेलोड जो होता है हमारे पास क्योंकि ये पेलोड है ठीक है ये इस पार्ट का एक क्रॉस सेक्शन भी है इसमें लूनार ऑर्बिट है ये कमांड मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ सर्विस मॉड्यूल्स होते हैं अगर बेस्ड ऑन कि हमें कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेसिकली अपोलो की शायद तस्वीर है अपोलो की है अपोलो की तस्वीर अपोलो में एक्चुअली में पर्सन को भेजा गया था हाँ ठीक है तो पर्सन को अगर कोई चीज प्रॉब्लम होती है सर्विस मॉड्यूल से लेकर वो चीजें काम कर सकता था और कमांड वहां से कर सकता था इसलिए ये कमांड मतलब पूरा मॉड्यूल ये देखिए इसका भी वही फोर्थ स्टेज है ये फोर स्टेज के हिसाब से काम चल रहा है सॉरी थर्ड स्टेज के हिसाब से काम चल रहा है तो तीन स्टेज इसके भी अलग हो जाते हैं अल्टीमेटली लास्ट में ये बचता है मतलब इतने बड़े रॉकेट में मामला सिर्फ इतना ही होता है हाँ, मतलब रॉकेट कितना ही बड़ा और सिम कार्ड छोटा ही लगेगा सर ये टोटल 110 मीटर की हाइट की थी हाँ 110.6 मीटर ये है हमारा चंद्रयान 3 हाँ चंद्रयान 2 का है थोड़ा बहुत मैं इस विषय में बताना चाह रहा था इसलिए चंद्रयान 2 का पेलोड को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पेलोड में यहाँ पे ऑर्बिटर सर लिखा हुआ है प्लस ये लैंडर एंड रोवर यहाँ पे पड़ा हुआ है exactly. और यहाँ पे कनेक्टर है ठीक है और इसी के जस्ट नीचे हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा अब ये जो ऑर्बिटर है इस बार जो ऑर्बिटर है वो नहीं जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है हाँ. तो चंद्रयान 3 में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस जो हमें हेल्प लेना होगा हम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ले लेंगे इसलिए इस बार सक्सेस होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा है ज्यादा है क्योंकि हम ऑलरेडी एक आदमी हमें वहां फोटो खींच खींच के लगातार भेज रहा है मून के चक्कर लगा लगा कि क्या हो रहा है तो यहाँ पर बेसिकली तीन पार्ट्स हैं बेसिकली देखा जाए तो चार पार्ट होते हैं एक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटर उसके ऊपर होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इनके बीच के मॉनिटरिंग कर रहा होता है और इसके ऊपर होते हैं लैंडर एंड रोवर लैंडर और रोवर इन सबकी डिटेलिंग पे अभी हम चलने वाले हैं अब इसमें अब ऑर्बिटर पे आते हैं इस ये ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का है बस अभी चंद्रयान 3 में नहीं है बट ये अभी काम कर रहा है इसका जो स्पेसिफिकेशन है लगभग यही है ठीक है टोटल वेट करीब 1500 kg के आसपास का है पावर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर रखा हुआ है सोलर पैनल वो 600 वाट का पड़ा हुआ है इट इज डिजाइन टू फंक्शन फॉर द वन लूनार डे विक्रम हैज द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द आइडियस बेंगलोर एज द ऑर्बिटर एंड रोवर द लैंडर इज डिजाइन एक्सक्लूड द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सर्फेस तो ऑर्बिटर का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे इसरो के साथ भी होगा डायरेक्ट और साथ में जो लैंडर होगा उसके साथ भी कम्युनिकेशन होगा मतलब अब कई बार ऐसा हो सकता है ना कि इसरो जैसे होता था सिग्नल्स यहां से वहां भेजने और ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है रफ डेटा है क्योंकि ये फर्दर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चंस वगैरह उन क्वेश्चन में इस डेटा के यूज से इस पे बेस क्वेश्चन को हैंडल करें बिल्कुल ठीक है बट ये रफ डेटा आप लोग बहुत ज्यादा फोकस ना करें क्योंकि ये बेस्ड ऑन चंद्रयान 2 है कुछ क्वेश्चंस में हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए इनको बता रहे लेकिन ऑर्बिटर का मेजर रोल क्या है टेंटेटिव डेटा है आसपास का ही वैल्यू होगी हां बिल्कुल सही है 1500 के आसपास की वैल्यू है जो एक्चुअल में जा रहा है इस बार टोटल 4000 किलो का प्रोपल्शन मॉड्यूल प्लस उसको मिला के जा रहा है 4000 केजी का लेकिन एक सेकंड सर रुकिए कि यहाँ पर हम ऑर्बिटर के बारे में बताते थे पहले ऑर्बिटर का काम मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम को जैसे आप मून के पीछे बैठे आपका डायरेक्टली अर्थ से लिंकेज नहीं हो पा रहा हाँ। तो क्या होता है ऊपर बैठ के एक लिंकेज को डिफाइन करने के लिए आप जो ऊपर से होता ना सेटेलाइट के थ्रू जब लिंकेज बैठते हैं तो ये एक तरीके से सेटेलाइट का काम करता है फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम इनसाइड द अर्थ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्बिटल का रोल इसलिए इसको समझना भी जरूरी मतलब जो मून पे हमारा लैंडर होगा या रोवर होगा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा किसको ऑर्बिटर को ऑर्बिटर जो होगा वो इंफॉर्मेशन इसरो को दे देगा अर्थ तक पहुंचा देगा exactly. तो एक तरह से कम्युनिकेशन एंटीना की तरह से काम एंटीना की तरह बीच में तो नेक्स्ट पे आते हैं ये है हमारा तो लैंडर का नाम विक्रम है बेसिकली ये विक्रम सारा भाई के नाम पे रखा गया हमारे हाँ। प्यारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी काम किया हुआ है हाँ। और क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बोलना भूल गया क्रायोजेनिक इंजन वो सर एक मूवी भी आई थी अगर आपको याद हो और नामबी इफेक्ट जो अपने बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अच्छा। इन्होंने ही ये टेक्नोलॉजी फ्रांस से इंडिया में लेकर आए अच्छा। इस पे बहुत बड़ा योगदान था आप सभी ने मोस्ट प्रोबब्ली नामबी इफेक्ट देखी होगी आर माधवन की एक बहुत ही अच्छी मूवी और मुझे लगता है कि दैट इज प्योरली साइंटिफिक बेस्ड मूवी और काफी अच्छा काम किया गया तो विक्रम का जो वेट है वो 2000 केजी है उसका जो पावर है वो 1000 वाट का पावर है और ये विक्रम है इसी के अंदर हमारा रोवर भी है
जो कि लैंड करेगा मून के सरफेस पे। रोवर का मास बहुत छोटा होता है सर, ये भी तो बता दें। मेजरली जो वेट है वो इस लैंडर का ही, मेजरली सबको इसके पास है। रोवर ये 26 किलो का आइटम है, आई थिंक ये एक 1000 किलो का, 20 केजी का, सही कर रहे हैं, 26 किलो का होता है और ये लगभग 1000 किलो के लगभग के अराउंड होता है, एग्जैक्टली तुमने मेरे को बता दिया। हां 2000 केजी लिखा तो है, 1756 केजी जैसा कुछ होता है। हां तो रफ डेटा, रफ डेटा है, बनाया कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है ओके। अब आते हैं रोवर के ऊपर, एंड दिस इज द रोवर। रोवर का नाम है प्रज्ञान, प्रज्ञान नाम से रोवर का ये रोवर है हमारा, ठीक है। जो इसके अंदर लैंडर के अंदर एक रैंप होगा, उस रैंप पे ये एक गाड़ी, रोवर एक बिल्कुल अपनी रिमोट वाली कार, रिमोट वाली कार, रोवर को बहुत बड़ा नहीं समझना सर, रिमोट वाली कार है। इसके अंदर हमने कुछ सेंसर्स लगाए हुए जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें समझने वाले। तो मेजरली अगर हम बात करें तो चार इफेक्ट है जो इस रोवर से एक्सपेक्टेड है। इस रोवर के अंदर हमने सीस्मिक इफेक्ट, मतलब मून क्वैक्स, मतलब मून पर आने वाले भूकंपों के बारे में, उसकी जो सेलेस्ट, जो उसकी प्लेट्स हैं जिसको हम बात करते हैं, मून की सरफेस किस तरीके से है, उसका सीस्मिक इफेक्ट क्या है, उसके बारे में जानकारी के लिए हमने यहाँ सेंसर्स लगाए हुए। हमने यहाँ पर सेंसर लगाए प्लाज्मा एनवायरनमेंट को देखने के लिए, चेक करने के लिए, मतलब मून के चारों तरफ किस तरीके का एनवायरनमेंट है, मून में कितने आयनाइजेशन है, कैसा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है, कैसी गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका आयनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए हम प्लाज्मा एनवायरनमेंट को चेक करेंगे, उसके सेंसर्स लगे हुए। इसके अलावा यहाँ पर और इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन अर्थ से किया जा सके, एग्जैक्ट डिस्टेंसेस को नापा जा सके, स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा जा सके, तो इफेक्टिव अल्फा एक्सरेज वगैरह को यूज किया जा रहा है, वो भी एक बहुत शानदार मॉड्यूल इसके अंदर बिल्डअप किया गया। चौथा जो बहुत शानदार मॉड्यूल इसके अंदर है वो है हीट कम्युनिकेशन को देखने का, मतलब अर्थ मून की सरफेस से हीट का कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द, वो कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए, वो सब डिटेलिंग हम आपके क्वेश्चंस में पूछेंगे। तो डिटेल में था 20 केजी 50 वाट का ये एंटीना इसका यूज हो रहा है, ठीक है, और इसका कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ लैंडर के साथ है, ठीक है, अर्थ से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये लैंडर के थ्रू अर्थ से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ पार्ट्स थे, ये सिर्फ एक लूनार डे ही रहेगा सर, हाँ, इसका जो लाइफ है, अच्छा इनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं इनसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके चल रहे हैं, एक लूनार डे का ही, एक लूनार डे मतलब 14 अर्थ के डेज जो है वो उसके बराबर होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन सर बच्चों से पूछते हैं, देखते हैं कमेंट में कौन बच्चे आंसर बता पाएंगे। आप सबसे एक क्वेश्चन कि हम हमेशा मून का एक ही फेस देख रहे हैं सर, मून का बैक पे कितना काला है नहीं पता, आप सिर्फ सामने वाला गोरा फेस देख रहे हैं, पीछे वाला काला भी हो सकता है, तो वो काला फेस हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो आपको सोचना है क्यों, वो आपको बताना है क्यों। तो ये है हमारा लैंडर मॉड्यूल, लैंडर एलएम प्लस रोवर। तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, देखिए ये इसके लैंडर के वो है, सॉफ्ट लैंडिंग के जो क्या बोलते हैं, अब्सॉर्बर्स होते हैं, शॉक अब्सॉर्बर्स, जब ये जाएगा अचानक से तो टकराएगा सरफेस से। तो यहाँ पर जैसे अपने प्लेन लैंड करता है, तो यहाँ पर अपने शॉक अब्सॉर्बर्स होते हैं जिनको बेसिकली हाइड्रोलिक्स बोला जाता है, तो हाइड्रोलिक्स की तरह काम करते हैं ये, और ये उस पर वर्कआउट करेंगे। जो हमारा रोवर है इसी के अंदर है, जो प्रज्ञान रोवर है इसी के अंदर है, ठीक है, ये ओपन होगा, और जब ये ओपन होगा तो उसी के रास्ते बाहर निकलेगा प्रज्ञान, और ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो चंद्रयान के ऑर्बिट्स में ऑर्बिट को धीरे धीरे चेंज करेगा, उसको एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर एस्टैब्लिश करेगा। सर इसका मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो काम हमारे लॉन्च व्हीकल ने अर्थ से बाहर जाते हुए किया था, वो काम प्रोपल्शन व्हीकल इसको वापस उतारते हुए करेगा, कर रहा है। मतलब जैसे अर्थ से बाहर जाते हुए, अर्थ के बाहर कौन लेके गया, लॉन्च व्हीकल, मून पे उतारेगा कौन, प्रोपल्शन व्हीकल। अब ये इसको दिशा निर्धारित करेगा, इसको कैसे लैंड कराना है उसमें, कैसे कैसे हमें उसको वेलोसिटीज देनी है, कैसे कम करनी है, कहाँ स्पीड अप करना है, कहाँ स्पीड डाउन करना है, कहाँ डायरेक्शन चेंज करनी है, ये सब प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है, ठीक है। इसके बाद ये है, इसमें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को दो भाग में इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला पार्ट जो लैंडर रोवर पर रखा हुआ है, और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये वाला पार्ट इसको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी दिखा रहा है, और ये इसके थ्रू वो बाहर निकालेगा अपने कोई भी डेड लोड नहीं रखा जाता, ये इसीलिए बोलते हैं सर कूड़ा करकट बढ़ रहा है डेड लोड अंतरिक्ष में, क्योंकि बहुत सारा डेड लोड अब अंतरिक्ष में भी है जिसके टकराने की क्षमताएं रहती है बट टकराते नहीं है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। वैसे भी बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी
इसको मास ज्यादा हो जाएगा तो उसको भेजने में हमें ज्यादा थ्रस्टर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब उसको डीएक्सेल क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और जब ये यहाँ पर उतर रहा होगा मून सरफेस पे जो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड लाने में हमें ज्यादा बेटर है कि इनको हटा दें, हटा दें, मोमेंटम कम रहे और उसको कम मोमेंटम हम कम डीबूस्ट के थ्रू कंट्रोल कर सके बेसिकली। उसके बाद ये हमारा रोवर, देखिए रोवर ये हमारा पूरा मॉड्यूल है रोवर और प्लस लैंडर का। अब जब ये ओपन हो रहा है, जब मैं बता रहा था कि ओपन हो रहा है, तो ये रैम बन गया और इस रैम पे हमारा जो रोवर है वो चलता नजर आ रहा है। ये भी बताएं सर, यहाँ पर जो लगे होते हैं ये इनके डीबूस्टर्स होते हैं। हाँ, डीबूस्टर, यही डीबूस्टर्स हैं इनके। इनकी स्पीड को कम करने के लिए डीबूस्टिंग का काम करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो इनको कम करने के लिए यहाँ से डीबूस्ट भी किया जाता है क्योंकि इन्हें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, टकराना नहीं है, टूट जाएंगे नहीं, तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डीबूस्टर्स लगे होते हैं नीचे की तरफ। रैम के थ्रू हमारा रोवर ये मून के सरफेस पे आ चुका है और ये आगे की तरफ जाएगा और हमको अपनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन भेजेगा। ये प्रज्ञान, ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे जो रोवर के अंदर की बात है, उसके अंदर की बात करेंगे। तो ये उसका स्पेसिफिकेशन है, सब जो भी एलिमेंट बीच में यूज हुए, ठीक है, आप इसको देख लो। छह व्हील का ये रोवर होता है, ये छह व्हील के थ्रू जाएगा। हाँ। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्सेस हैं जिसके थ्रू सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, जो समझेंगे मून क्वेक्स को, एनवायरनमेंट को, जो यहाँ से डिफाइन करने वाले हैं सारी चीजों को। ठीक है, ये तो हमने भी बताया आपको कि इसके पहले तक हमने आपको बताया कि बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो यूज हो रहे हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा है मोशन इन अर्थ बाउंड ऑर्बिट, स्टार्ट करेंगे। हालांकि पूरी की पूरी पार्टी अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये अर्थ के अंदर, ये तो अभी समरी के तरीके से हम बता रहे हैं। हाँ। इसकी डिटेलिंग्स जैसा कि बताया कि हम आगे की तरफ आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। हाँ। कि उसमें क्या है, अभी बेसिक समझो कि कैसे यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचना है। हाँ, इसके लिए क्या रास्ता फॉलो कर रहे हैं वो समझो पहले। हाँ, ध्यान से। हाँ, आज बस एक हम लोग बता रहे हैं, जस्ट न्यूज की तरह से बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि अर्थ के बाउंड में जो ऑर्बिट है सब उनके अंदर मोशन है। ये है हाईवे, लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं, लूनार हाईवे बोला जाता है, ये लूनार हाईवे है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके इसके ऑर्बिट में घूमेगा और फिर यहाँ से इसकी लैंडिंग होगी, ठीक है। अब इसके लिए इस पार्ट को मैं अलग दिखाने जा रहा हूँ, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग। बस ये तय है कि पहले ये हमारा जो ऑर्बिटर है प्लस हमारा जो लैंडर्स है, ठीक है, जो हमारा लैंडर फिलहाल इसमें तो ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर ही है, लैंडर और रोवर जो है वो इस पे पेलोड जो है बेसिकली वो पेलोड इस पे घूमेगा ऐसे, पहले तो इस पे घूमेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, ठीक है, डिक्रीज होने के बाद फिर इस पे भेजा जाएगा, फिर इसके कारण भी हम बताते हैं एक एक करके। तो इसके अंदर अब आते हैं सबसे पहला अर्थ बाउंड, सबसे पहले सर निकालते हैं यहां से उसको बाहर, यहां से करते हैं। तो हमारा ये जो रॉकेट है वो यहाँ से स्टार्ट करता है मोशन, यहाँ से मोशन स्टार्ट करने के बाद जब यहाँ पहुंचता है तो इसको जो हमारा पेलोड है उसके अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दे चुका होता है, जो कि आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट एस्केप स्पीड के बाद। सर कितना समय लगता है यहाँ पहुंचने? तो हम ये बता रहे थे इस वाले पार्ट्स को एक एक करके पार्ट बताते हैं। यहाँ से रॉकेट जो है जब यहाँ से यहाँ लेके अपने पेलोड को आता है तो इसमें जो टाइम लगता है रफ कैलकुलेशन से 15 मिनट के आसपास लगता है, ठीक है, ठीक है। करीब फर्स्ट वाला जो टाइम रहता है वो 625 सेकेंड का होता है फर्स्ट स्टेज के में। फर्स्ट स्टेज की बर्निंग मतलब जो S2S 200 जो है हमारे पास वो जब अलग होते हैं वहां तक तो वो 625 सेकेंड। जो लिक्विड इंजन बर्न होता है 150 सेकेंड लेता है और जो क्रायोजेनिक इंजन बर्न होता है वो 150 सेकेंड लेता है, तो लगभग 15 मिनट के आसपास लगता है। लेकिन हमारा जो इसरो है, ठीक है, हमारा जो इसरो है वो करीब 17 मिनट में इसमें एस्टैब्लिश कर दिया है पेलोड को, ठीक है। ये अब इस 625 में 3.5 किलोमीटर दे दी, इस 150 में 2.8 और बढ़ा दी, फिर इसने 4.8 और बढ़ा दी, सही कह रहा है। लेकिन लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, ये होता है। अब एस्टैब्लिशमेंट हो गया सर, सबसे बड़ा काम तो यही बोलते हैं जहाँ तक मैंने, सबसे बड़ा काम कि इस पे एस्टैब्लिश करना, और उसमें भी जब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा एक डायरेक्शन चेंजर होता है, ठीक है, जो अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसको अगर इधर एस्टैब्लिश करना है ऐसे तो फिर वो इसको कुछ इस तरीके से एक थ्रस्ट मारेगा, ऐसा थ्रस्ट देगा जो इसके वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में चेंज कर देगा। तो बेसिकली नीचे लगे हुए जो ये आपके नीचे लगे हुए एग्जॉस्ट होते हैं, जहां से एग्जॉस्ट होता है वो रोटेटर होते हैं, वो घूम जाते हैं। तो अपने डायरेक्शन चेंजिंग जो होती है बेसिकली बता ही देते हैं सर, यहाँ से जो डायरेक्शन चेंज होगा वो यहाँ नीचे लगे हुए ये रेड वाले जो है इनके घूमने से डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, घूमते हैं। हाँ,
तो ये आपके बीच में लगे हुए ये छोटे पार्ट घूमते हैं, तो लगातार डायरेक्शन गाइडिंग होती है, मतलब ऐसा नहीं यहीं से चलता है सीधे लास्ट स्टेज पर होती, कंसिस्टेंट डायरेक्शन को गाइड करते हुए लेके जाया जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस्टैब्लिश करते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का होता है, बट अभी 190 पे हम मान के चल रहे हैं। ओके सर, इस्टैब्लिश बाय 190 पार्किंग ऑर्बिट इसको बोलते हैं, ये पार्किंग इसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट ऑफ मून सरफेस, अर्थ सरफेस जो कि 190 किलोमीटर का होता है, बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको 200 के आस किलोमीटर के रेडियस का मान लें, रेडियस करो हाइट का मान लिए, रेडियस 6600 प्लस 200 ठीक है 6600 पड़ेगा, बट ये 200 किलोमीटर का हाइट पे ये ऑर्बिटर पार्किंग ऑर्बिट हमारी होती है। अब इस पार्किंग ऑर्बिट में जो स्पीड होती है जो हमारा ये रॉकेट इंजन देता है वो अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकंड का दे चुका होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको ये 200 मीटर के रेडियस पे यहाँ पे घूमता है, 200 रेडियस के ऑर्बिट पे घूमता है, और इसमें करीब वो 200 मीटर के रेडियस नहीं 200 मीटर के हाइट पे, हाँ 200 मीटर के हाइट पे, 200 मीटर के हाइट पे। अच्छा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है 200 किलोमीटर इंटू 200 किलोमीटर, इसका मतलब है हाइट, रेडियस नहीं है ये हाइट है, 200 किलोमीटर इधर हो, अपोजी और पेरिजी की हाइट है। हाँ, पेरिजी मतलब नियरेस्ट पॉइंट जो रहता है ऑर्बिट पे, उसका हाइट 200 किलोमीटर, पीछे वाले हाइट भी 200 किलोमीटर। हाँ, तो अपोजी और पेरिजी की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं 200, 200। हाँ, तो 200, 200 बता रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, सरफेस दूरी है। तो पहले ये जो हमारा पेलोड है वो 200 मीटर के हाइट पे सर्कुलर मोशन करता है, और इसमें जो डेटा हमारे पास है और जो कैलकुलेशंस हमने किया है उसके हिसाब से करीब दो दिन यहाँ रहेगा, दो दिन ये यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोपल्शन मॉड्यूल्स होता है वो इसकी स्पीड को बढ़ाता है ताकि थोड़ी इसेंट्रिसिटी बढ़े। ठीक है, और ये थोड़ा सा, और बच्चों यहाँ पर एक छोटी बात याद दिला देता हूँ क्योंकि सर बता रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड होती थी √gm/r, और एस्केप होती थी √2gm/r। और अगर अंडर रूट जीएम बाई आर और रूट टू जीएम के बीच में होते तो इलेप्टिकल ऑर्बिट बनती थी। हाँ, तो उसके बीच की स्पीड अब हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, रूट टू जीएम से बढ़ाएंगे स्पीड, और सारे स्पीड जो है वो हम इसी पार्किंग ऑर्बिट पे देंगे। ये जो पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट, इसको अप लोएस्ट अर्थ ऑर्बिट। हाँ, 200 किलोमीटर की हाइट पे है और ये पार्किंग स्टेशन है, और यहीं पे बार बार हम स्पीड चेंज करते हैं, बाकी कहीं नहीं चेंज करते, एक पर्टिकुलर प्लेसेस होती है उसी के आसपास हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, अचानक से हमारे पास रॉकेट जैसा तो कुछ होता नहीं है जो अचानक से इसकी स्पीड को इतना बढ़ा दे ताकि इस हाईवे पे आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाते हैं। एक्चुअली आप बेसिक बात समझना, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए लगभग जो स्पीड की आवश्यकता होती है वो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास की स्पीड होती है। अभी यहाँ 8 पे बैठे हैं, 3 बढ़ाना है। अगर रॉकेट को इमीडिएटली कोई बस्टिंग दी जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, तो जैसे आपने साइक्लोट्रॉन का मॉडल सा जैसे होता है, घुमा घुमा के बढ़ाते हैं, वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि इसको घुमा घुमा के इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। हाँ, हर बार बूस्टिंग यहाँ पर होती है। और इस जगह पर सर ऑर्बिट के टाइम्स जो थे वो आप बता रहे थे, इसमें ये कह रहे थे कि 200 किलोमीटर की हाइट पे जब ये चक्कर लगाता है ना, बेसिकली इसमें जिसका टाइम पीरियड होता है 1.4 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, डेढ़ घंटे में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है। बिल्कुल सही, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नियरेस्ट सबसे अगर IHH को टेंडिंग टू जीरो मान लिया जाए तो हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो 86 मिनट का जाता है। बिल्कुल सही, तो ये डेढ़ घंटा के यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ पे हम अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल की स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर ये ऐसे है तो उल्टा प्रोपल्शन मॉड्यूल अपना इजेक्शन देगा, ठीक है, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर ये इस वाले पे अगला पाथ इस पाथ पे आएगा। अब यहाँ पे तो 2 दिन तक रहता है, फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ का भी जो टाइम पीरियड अगर ये करीब डेढ़ घंटा है तो इसका ये जो है ये 200 मीटर के हाइट का है। हाँ, और ये जो आता है इसकी हाइट है 45,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर के हाइट पे इंक्रीज कराते हैं। तो पहली बार बहुत तगड़ा इंक्रीज कराए हम लोग इंजेक्शन, फिर ये 45, लेकिन ये पेरेजी वाला पॉइंट एकदम फिक्स होता है, ठीक है, और ये है फोकस पे है, पेरेजी की हाइट हमेशा 200 ही किलोमीटर होती है, ठीक है, और ये हम बढ़ा देते हैं इस हाइट को यहाँ पे इजेक्शन। इस सब की कैलकुलेशंस हम लोग डिटेल्ड में लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम एक सुपरफिशियल आपको बता रहे हैं कि ऐसा होगा, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ा के इसकी इसके बाद जब स्पीड बढ़ाते हैं तो यहाँ की जो हाइट आती है ये 54,000 किलोमीटर की होती है, इसकी हाइट 71,000 किलोमीटर की होती है, इसकी हाइट 90,000 किलोमीटर की होती है, और इसकी जो हाइट है ये 140,000 किलोमीटर, 140,000 किलोमीटर की। हाँ, ये लास्ट ऑर्बिट होती है,
इस पर ये घूमते, यहाँ पर दो हाँ। फिर दो फिर तीन, यहाँ पे जो टाइम होता है फिर चार, दो दिन का टाइम हाँ। यहाँ पे लगता है, यहाँ पे दो दिन लगता है, यहाँ पे तीन दिन लगता है, फिर यहाँ पे चार दिन लगता है, फिर दो और फिर तीन दिन, फिर यहाँ पे दो दिन और यहाँ पे तीन दिन के टाइम्स लगते हैं। तो ये आपके पास लगभग समय रहता है, इतना समय ये एक ऑर्बिट में स्पेंड करता है, जबकि इतने समय में बहुत सारे चक्कर लगा लेता है। ऐसा नहीं कि दो दिन में, सोचो डेढ़ घंटे में एक बार अर्थ का चक्कर लगा रहा है। जो टाइम है, एक सेकंड, ये पहला जो है इसमें दो दिन लगता है, फिर दूसरा दिन के लिए दो दिन का टारगेट सेट होता है, फिर ये तीन दिन का टारगेट सेट होता है, फिर ये दो दिन का टारगेट सेट होता है, चार दिन का टारगेट सेट होता है, और ये तीन दिन का टारगेट सेट होता है। ये दो और चार उल्टा हो गया मेरा। आप इसको अगर पूरा काउंट कर लीजिए तो कितना आ गया, दो दो चार तीन सात दो नौ नौ सात सोलह, टोटल 16 जीन उसको तो अर्थ के ही बाउंड ऑर्बिट में घूमना होता है, और अर्थ के बहुत चक्कर लगाएगा, एक नहीं डेढ़ घंटे में चक्कर कंप्लीट कर रहा है, दो दिन सोचो 24 घंटे इसके पास है, मतलब कर क्या रहा है, बहुत चक्कर लगाएगा अभी तो। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, पैसा पैसे नहीं खर्च होता है, पैसा नहीं खर्च कर रहा है, तो पैसा नहीं खर्च, ये तो ग्रेविटी है, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, हां 10 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर की हाइट होती है, ये तो करीब 200 किलोमीटर ऊपर से कहां से होगा, तो अब कोई पैसा खर्चा नहीं, अब आराम से नचाओ, एक बार यहां छुआ देते थोड़ी सी बत्ती, स्पीड बढ़ी, फिर नाचने दो उसको। अब नाचते क्यों है, ताकि एडजस्टमेंट प्रॉपर हो जाए, ताकि हम पाथ को एडजस्ट कर सके। इसमें एक बड़ा अच्छा सा टर्म आप यूज कर रहे थे, थ्री डायमेंशनल मोशन जो है, ताकि आप पाथ में छोटा मोटा चेंज जो है वो कर सके, और यहाँ पे हम बैठ के इसके मोशन को एनालाइज कर पाते हैं कि अपना काम सेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा समय लेते हैं और हम लोग धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं। और चूंकि स्पीड को 8 से 11 करना होता है, ये बड़ा इजी टास्क नहीं है, तो हर बार यहाँ पे जो आप साइक्लोट्रॉन वर्ड यूज कर रहे थे, हर बार थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा बढ़ा के यहाँ से 8 से 11 तक पहुंचते हैं, 11 तक पहुंचते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से अपन को जाना है, अब जब 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेता है, तो फिर यहाँ से इस हाईवे पर चलना शुरू करता है। अब ये जो डेटा दिया गया एक्चुअल में 1 अगस्त को यहाँ से इस हाईवे पे रनिंग शुरू करेगा, जो 14 जून को छोड़ा गया था, 1 अगस्त को यहाँ से निकलेगा, और ये 14 जुलाई को छोड़ा गया, 14 जुलाई सॉरी, दिखा देते सर, ताकि समझ में तो है कहां हो रहा है, फिर इस पे आएंगे, ये इस हाईवे पे चलना शुरू करता है, और यहाँ पे अगर 1 अगस्त को जा रहा स्टार्ट कर रहा है ना 1 अगस्त को, तो यहाँ पे जो पहुंचता है दो दिन, ये तीन दिन लगता है, और 4 अगस्त को यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ 4 अगस्त को पहुंचता है, ठीक है। फिर 4 अगस्त के बाद इसको फिर ऑर्बिट चेंज किया जाएगा, तो इसके लिए तो सर आज अगर हम देखें, आज 20 तारीख के लगभग हो रही है, तो लगभग मामला कुछ यहाँ इस वाले ऑर्बिट में खेल रहा होगा अभी, दो दो चार 20 तारीख है ना, 20 तारीख को लॉन्च हुआ था, 6 दिन इस वाले ऑर्बिट में, 6 दिन का मतलब है 2 2 4 3 7 की 2 4 3 7, ठीक है, वो हो सकता है कि इस ऑर्बिट में इसको डिटेल में समझना है, मतलब इसको बहुत डिटेल में समझाएंगे, ये ऑर्बिट ट्रांसफर गेम है, और यहाँ पर एक्चुअल आपके पढ़ाई इन्वॉल्व होने वाली है, यहाँ से ऐसे जाएगा, और यहाँ पर इस पाथ को चेंज करके इसको मून के चारों तरफ घुमाना, अर्थ से निकाल के मून के चारों तरफ घुमाना, और जब यहाँ पे जब स्पीड 11 का पकड़ लेगा, फिर इस हाईवे पे चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पे अब कितना सोचना है इसमें कि मून किस लोकेशन पे हो, ठीक है, मून का इसके साथ एंगल कितना हो, जब इसको आप यहाँ से इंजेक्ट करें इस हाईवे के लिए, बिल्कुल सही, ताकि जब ये इस पे चले तो जो मून है वो यहाँ तक पहुंचे, और जैसे मून यहाँ पहुंचेगा तो ये जो सर्कल है वो लूनार स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है, तो जब इसमें आएगा तो इन्फ्लुएंस क्या, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, बिल्कुल सही, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और ये स्पीड काफी ज्यादा होगी, हाँ ये स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ स्पीड होगी, इसलिए कि जितना ही दूर जाएगा उतनी स्पीड कम होती जाएगी, तो यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ स्पीड है और इस इन्फ्लुएंस में अगर आ रहा है, तो जब फिर आप ये थोड़ा सा और आगे भागेगा तो इसकी दूरी तो इससे तो बढ़ी जाएगी, लेकिन इसकी दूरी इस किससे, मून से कम हो जाएगी, तो मून के स्फीयर में आ जाएगी, तो मून के स्फीयर में आएगा तो यहाँ पे स्पीड अब यहाँ से शुरू करेगा मोशन, तो जब यहाँ पे आता है मून के एकदम निकट आता है, तो इस समय इसकी स्पीड करीब
टू, हालांकि अगर सही से देखिए तो मून के सरफेस पे एस्केप स्पीड 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है मून के सरफेस पे, लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्पीड यहाँ पे गेन कर लेगा क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा तो यहाँ पे जब गेन इन कन्वर्ट जी आएगी तो स्केप भी ज्यादा आएगी, इसीलिए जो पाथ ट्रेस करता है ये पाथ हाइपरबोला होता है जो उन्होंने दे रखा है, ये हाइपरबोला पाथ होती है। तो अब अगर हमने यहाँ पे डिबूस्टर नहीं किया इसको तो फिर क्या होगा, ये स्केप कर जाएगा स्केप से, इसलिए जैसे ही हाइपरबोला के थ्रू यहाँ पहुंचता है तो हम यहाँ पे डिबूस्ट करते हैं, डिबूस्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ला देते हैं। यहाँ पे दो बातें बच्चों को समझनी इंपॉर्टेंट है। पहला आई थिंक बच्चों को समझना पड़ेगा कि स्फीयर कौन सा है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब वो हो गया कि यहाँ पर मून की ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ऐसा जोन जहां अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मून के रिस्पेक्ट, वो अर्थ का इन्फ्लुएंस हो गया, वहां उसको बोलेंगे अर्थ का स्फीयर इन्फ्लुएंस, और जहां पर मून का हो गया उसको हम बोलेंगे लूनर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये दो बातें समझनी है। तो यहाँ पर अर्थ की मून की ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो अपनी तरफ खींचेगी, करेस्पॉन्डिंगली वो स्केप ना करे सर, तो हम यहाँ पर इसको डिबूस्ट करेंगे और इसको स्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर ले आएंगे, लेकर आएंगे बहुत से, ठीक है। जब लाते हैं तो फिर इसका मोशन कुछ यही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा था, ठीक है, इसके बाद यही पे डिबूस्ट किया गया, अदरवाइज ये जो पाथ है यहाँ पे हाइपरबोला पकड़ रहा था, पूरा हाइपरबोला पकड़ लेता, तो यहाँ पे डिबूस्ट कर दिया, डिबूस्ट करने से इलिप्टिकल पाथ पे आना शुरू हो गया। बट इसकी और ये जो होती है सर, ये 100 किलोमीटर हाइट होती है, मतलब अर्थ के सर्फेस से ये दूरी 100 किलोमीटर होती है, मून के सर्फेस से, मून के सर्फेस से ये दूरी 100 किलोमीटर की होती है, और ये दूरी हालांकि अभी हमने इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, बट इसको भी मैं कैलकुलेट करके नेक्स्ट डेटा तक लेते हैं। Exactly. तो अभी हम लोग इसकी फर्दर ऑन कैलकुलेशन, और यहाँ पे जो स्पीड होती है सर, ये स्पीड करीब 2.2 किलोमीटर पर आर की पर सेकंड की स्पीड दे दी जाता है, जबकि इसके 2.4 की पर सेकंड, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब वापस से यहाँ डिबूस्टिंग होगी और ये लगातार अपनी ऑर्बिट को छोटा करता चलेगा, छोटा करता चलेगा, और यहाँ जब वो अपनी एक सर्कुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होने लगता है, सर्कुलर ऑर्बिट होगी 100, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली करीब 200 के आसपास होता है, ये 100 होता है और ये भी करीब 100 होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है पहले, ये थोड़ा सा डायग्राम में आप नहीं, वो ये तो इसका ठीक है, वो 100/100 आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो ठीक है। यहाँ पे ये तो 100/100 की ऑर्बिट यहाँ से, अब ये यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा सर अंतिम वाला, हाँ ये सर्कुलर बन रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट, हाँ ये वाला, ये सही कह रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये सर्फेस से 100 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल सही 100 मीटर की दूरी, अब ये 100 किलोमीटर, अब ये लोअर इलिप्स वाले सर्किट बनाएगा और धीरे धीरे गिरेगा। यहाँ पे दिखाया गया लैंडर, ये देखिए 100/100 लिखा गया, मतलब इस जो रेड कलर का दिख रहा है ये 100 और इस सर्फेस से 100 मीटर की दूरी होगी, और यहाँ पे आते वक्त ये जो सेपरेशन इसका हो रहा है यहाँ पे जो ये दिखा रहा है 17 अगस्त को यहाँ से ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होगा, ठीक है, वो लैंडर से सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद 17 अगस्त के बाद भी ये लैंडर अभी भी इसमें घूमता ही रहेगा, अभी भी इसमें घूमता रहेगा। फिर 23 अगस्त को क्या होगा, 23 अगस्त को हम इसके पेरिजी को, ये 100 मीटर है और ये जो है ये लेंथ है करीब 30 किलोमीटर के रेंज पे लेते जाएंगे, जो लिखा गया होगा 30 किलोमीटर कहीं पे नहीं है, 100/30 पे लेकर आएंगे 30 किलोमीटर की रेंज पे। अब सोचो, पहले इलिप्टिक ऑर्बिट बढ़ा रहे थे, पहले हम पेरिजी से अपोजी बढ़ा रहे थे, अब इसको अपोजी बना दिया, इसको पेरिजी बना दिया, और इलिप्टिक ऑर्बिट छोटे करते जाएंगे और धीरे धीरे ये इसको यहाँ पर लैंड करा देंगे। और 17 अगस्त के बाद 23 अगस्त को, जब 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में जब इसको हम यहाँ पे भेजेंगे तो 23 अगस्त को ही जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके बाद इसको देखिए यहाँ से ये करीब 30 किलोमीटर की हाइट है, फिर यहाँ पे अगेन हमको डिबूस्ट करना है किसको, लैंडर को, और इसको लेके जाना है, और ये जो एंगल बनेगा सरफेस से सर ये करीब 120 डिग्री का एंगल होगा, और इस सरफेस से जो टकराने की स्पीड अलाउबल स्पीड उन्होंने दे रखा है दैट इज लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड, इससे कम की स्पीड है तभी जाके इसके अर्थ पे लैंडिंग कराई जाएगी, अदरवाइज लैंडिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ठीक ठाक होती है, फॉर कैंड इंफॉर्मेशन, मतलब ठीक ठाक, मतलब ठीक होती है, सॉफ्ट लैंडिंग की जरूरी है आवश्यक। तो इस ये तो डिटेलिंग थी जो हमने आपको बताया, ये इस तरीके से मून पे लैंड करेगा, इसके आगे घुसेगा, ये पूरी कहानी हो गई है, ठीक है। अब इस कहानी पर आएंगे बहुत शानदार से क्वेश्चंस, इस पर बेस्ड INPHO की प्रॉब्लम जो पूछी गई थी उसके करेस्पॉन्डिंग कैसे क्वेश्चन आंसर फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रयान का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को देखते हुए आप के ओलंपियाड के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर क्वेश्चन बनाने वाले हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके सामने ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सारे के सारे पार्ट एक एक पार्ट का प्रॉपर कैलकुलेशन, और जो मैं डेटा बता रहा था वो मैं ऐसे नहीं बता रहा था, प्रॉपर कैलकुलेटर के बता रहा था, वो डेटा का एक एक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन अलग अलग करके बताया था कि आप आंसर को मार्क ना कर दें,
हल्का सा दो तीन एड आउट कर दिया उसके अंदर ताकि देखिए हाँ मैनिपुलेशंस जो है वो किए जा रहे हैं, किए जाएंगे क्योंकि आवश्यकता है, आइडेंटिकल देखते हुए काम करेंगे और आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशंस एंड सर्टेन कंसीडरेशंस जो आवश्यक है आपके सिलेबस को देखते हुए, उनको लगाते हुए एक बहुत शानदार हम लोग लेकर आने वाले हैं पूरा प्रॉपर सीरीज जिसके अंदर आपको इन सभी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑर्बिट ट्रांसफर के बारे में, ऑर्बिट रोटेशंस के बारे में, इलिप्टिकल ऑर्बिट बढ़ना घटना कैसे होता है, कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, कैसे एरियल वेलोसिटी को देखना है, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।